जय हिंद। इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड बोरोइंग प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड बोरोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडिया के लिए बनाया है वो कॉन्स्टिट्यूशन प्योरली ब्रेन चाइल्ड नहीं है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ओके, मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय स्टडिंग डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड ड्राफ्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो मेंबर नियर अबाउट 60 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड को स्टडी करके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्टेड किया, और जिस जिस कंट्री का जो जो प्रिंसिपल उनको अच्छा लगा उन्होंने उस कंट्री से वो प्रिंसिपल लाकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिए थे। ओके, सो इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज ए बैग ऑफ बोरोइंग कॉन्स्टिट्यूशन। सो चलिए देखते हैं द साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल्सो द बोरोइंग प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, नियरली 75% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके, जो बोरोइंग प्रिंसिपल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उनमें 75% फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देन देखिए, इंडिया ऑप्टेड फॉर ए फेडरल गवर्नमेंट क्योंकि इंडिया में लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी है। देन देखिए, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। इंडिया में सेंटर को कुछ पावर दिया गया है और स्टेट को भी कुछ इंडिपेंडेंस पावर दिया गया है। ओके, सो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन देखिए, पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज ऑल्सो अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल बिफोर लेजिस्लेचर। देन देखिए, अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। सो इंडिया में बोथ ऑफ फेडरल गवर्नमेंट का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है और यूनिटरी गवर्नमेंट का भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, देन देखिए, द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड क्योंकि जब इसी को ड्राफ्टेड किया गया बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसी में 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स एंड 12 पार्ट्स था, और अमेंडमेंट होकर ये बढ़ गया है। ये जो आर्टिकल 395 था ये अब हो गया 470, जो 8 शेड्यूल्स था ये अब हो गया 12 शेड्यूल्स, और जो 22 पार्ट्स था ये बढ़कर अब हो गया 25 पार्ट्स, और 5 अपेंडिसेस भी जोड़ा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। देन देखिए, अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये बेस्ड ऑन अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मतलब चेंज। देखिए, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में है इसी को हटाना है और कुछ नया रूल्स एंड रेगुलेशन जोड़ना है, ये प्रोसेस को हम कहते हैं अमेंडमेंट। ओके, देयर आर सर्टन प्रिंसिपल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज। सो फॉर दिस रीजन इट इज कॉल्ड एज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, बट देयर आर सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन विच कैन बी चेंज इजिली बाय पार्लियामेंट विथ सिंपल मेजोरिटी। सो फॉर दिस रीजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज फ्लेक्सीबल। देन देखिए, सिंगल सिटीजनशिप इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सिंगल सिटीजनशिप मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, वन कैन नॉट बी सिटीजन ऑफ उड़ीसा, बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एसेट्रा। ओके, देर इज नो स्टेट सिटीजनशिप। ओके, वन कैन नॉट से दैट आई एम ए सिटीजन इन ए पर्टिकुलर स्टेट। ओके, सिटीजन मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, एट ए टाइम वन कैन नॉट होल्ड टू सिटीजन, सिटीजन ऑफ इंडिया एंड सिटीजन ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट। दैट इज कॉल्ड एज डुअल सिटीजनशिप, लाइक दैट ऑफ अमेरिका। ओके, अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है लेकिन इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। सिटीजन मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट सिटीजन ऑफ बंगाल, बिहार और ओडिशा। ओके, सो सिंगल सिटीजनशिप इज अनदर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो सिंगल सिटीजनशिप है ये पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल में डिस्कशन करा गया है, और आर्टिकल 5-11। ओके, ये आर्टिकल 5-11 कवर सिंगल
सिटीजनशिप। ओके, ये सिटीजनशिप को हम डिटेल में अलग से वीडियो में देखेंगे। देन देखिए, फंडामेंटल राइट्स इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देयर आर सिक्स फंडामेंटल राइट्स: राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। ओके, देयर आर सिक्स फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये पार्ट थ्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कशन करा गया है। देखिए, देयर आर 25 पार्ट्स, पार्ट्स टू में सिंगल सिटीजनशिप, पार्ट थ्री में फंडामेंटल राइट्स। और ये जो फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 14-35 कवर्स फंडामेंटल राइट्स, इसी को हम अलग से वीडियो में देखेंगे। देन देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देयर आर थ्री बेसिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी: गांधियन प्रिंसिपल, लिबरल्स प्रिंसिपल एंड सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। ओके, ये पार्ट फोर में डीपीएसपी डिटेल में डिस्कशन करा गया है। और आर्टिकल 36-51 कवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, देन फंडामेंटल ड्यूटीज, देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। और पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पीक्स अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, और आर्टिकल 51A, दिस वन इज इम्पोर्टेंट, ये फंडामेंटल ड्यूटीज डीपीएसपी को हम अलग अलग वीडियो में डिटेल में देखेंगे। देन देखिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज ऑल्सो अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 326 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पीक्स अबाउट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ओके, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब राइट टू वोट। ओके, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज राइट टू वोट इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, लैंग्वेज एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ओके, प्राइम मिनिस्टर का वोट इज इक्वल टू ए रिक्शा पुलर्स वोट। ओके, इक्वल वैल्यू। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ए कहता है, वोट ऑफ ए प्राइम मिनिस्टर इज इक्वल टू वोट ऑफ ए रिक्शा पुलर, इक्वल स्टेटस। वोट का जो वैल्यू है वो कोई भी बड़ा आदमी है और छोटा आदमी है, इक्वल वैल्यू है। ओके, वन वोट मतलब वन वोट, ये रिक्शा पुलर हो या प्राइम मिनिस्टर हो। ओके, देन देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज ए बैग ऑफ बोरोइंग कॉन्स्टिट्यूशन। दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बैग ऑफ बोरोइंग कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, क्यों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज ए बैग ऑफ बोरोइंग कॉन्स्टिट्यूशन? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जब ड्राफ्टेड किए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, वो डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड का बोरो किए हैं। और जो प्रिंसिपल जिस कंट्री का अच्छा लगा, मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने लाकर इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया, इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज ए बैग ऑफ बोरोइंग कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, बाय बोरोइंग डिफरेंट प्रिंसिपल फ्रॉम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकम एलिफेंटा साइज। ओके, सो चलिए देखते हैं किस किस प्रिंसिपल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बोरो किए हैं फ्रॉम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, ये सब प्रिंसिपल यूनाइटेड किंगडम से बोरो किया गया है। नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट लाइक क्वीन, लाइक क्वीन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉमिनल हेड, रियल हेड इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ओके, सो नॉमिनल हेड, कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर्स, पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंटरी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, बाइकैमरल पार्लियामेंट, लोअर हाउस इज मोर पावरफुल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल टू लोअर हाउस, स्पीकर इन द लोकसभा, सिंगल सिटीजनशिप। ओके, ऑल दीज प्रिंसिपल्स आर बोरोड फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंसर्टेड इंटू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन देखिए, व्हाट आर द प्रिंसिपल दैट आर बोरोड फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट नोन एज प्रेसिडेंट, देन वाइस प्रेसिडेंट एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट, प्रोविजन ऑफ स्टेट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी एंड जुडिशियल रिव्यू, प्रियम्बल, देन रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। ऑल दीज फीचर्स आर बोरोड फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, देन देखिए, फ्रॉम ईस्ट वाइल USSR से क्या क्या आया है? फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फाइव ईयर प्लानिंग। फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या बोरो किया गया है? कॉन्करेंट लिस्ट,
लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल प्रोविजन रिगार्डिंग ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स. ओके, जापान से क्या आया है? लॉ ऑन व्हिच सुप्रीम कोर्ट फंक्शन. ओके, फ्रॉम वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से क्या आया है? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी. ओके, देन साउथ अफ्रीका से क्या आया है? प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये आया है साउथ अफ्रीका से. देन कनाडा से क्या बोरो किया गया है? स्कीम ऑफ फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स एंड प्लेसिंग द रेसिडुअरी पावर विद द सेंटर. देन आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से क्या आया है? कॉन्सेप्ट ऑफ डीपीएसपी, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. ओके, ये जो प्रिंसिपल है ये आयरलैंड का ओरिजिनल प्रिंसिपल नहीं है, आयरलैंड ने इसी को बोरो किया था फ्रॉम स्पेन से. ओके, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन द राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट, ऑल दीज प्रिंसिपल्स आर बोरोड फ्रॉम आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो बाय बोरोइंग ऑल दीज प्रिंसिपल्स फ्रॉम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकेम एलिफेंटा साइज और इज कॉल्ड एज the lengthiest constitution in the world. Okay, so this is something about the silent feature and borrowing principle of Indian constitution. Aaj ke liye itna hi, fir milenge naye video mein, tab tak ke liye take care, jai hind.